हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ रोज मोदक शेयर कर रही हूँ, जिसका टेस्ट बिल्कुल काजू कतली के जैसे ही आता है और बहुत ही इजी रेसिपी है और 4 से 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि हम इसे 1 हफ्ते तक आराम से खा सकते हैं, ये खराब भी नहीं होता है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। गैस पर मैंने यहाँ कढ़ाई रख ली है, लो फ्लेम कर लिया है। मैंने यहाँ लिए है 1 कटोरी मगज के बीज, ये देखिए। अगर आपके पास मस्त मेलन सीड्स मोटे वाले हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, मेरे पास यहाँ बारीक वाले है, देखिए मेलन सीड। इसे हम रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए चटक गए हैं ये और अच्छे से फूल गए हैं, देखिए काफ़ी फूल गए हैं, आप देख सकते हैं। इसे रोस्ट करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, नीचे उतार लेते हैं इसे। इसे हम ठंडा करके ग्राइंड कर लेते हैं मिक्सर में। ये ठंडा हो गया है, इसे ग्राइंड कर लेंगे। गैस पर मैंने यहाँ खाली कढ़ाई रखी है, इस पर डालेंगे हम, इसमें डाल रही हूँ मैं 3/4 कटोरी चीनी, 1 कटोरी से थोड़ा कम 3/4, 1/4 कटोरी पानी, अच्छे से घोल लेते हैं। इसे उबाल लेना है हमें अच्छे से। मेरे पास यहाँ रोज वाटर है, थोड़ा रोज वाटर डाल देंगे फ्लेवर के लिए, खुशबू अच्छी हो जाएगी। देखिए चीनी अच्छे से घुल गई है, आप देख सकते हैं। थोड़ा गुलाब जल डाल दिया, थोड़ा एसेंस डाल देंगे, रोज एसेंस, इससे भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें रोज कलर, देखिए चीनी हमारी बहुत ही अच्छे से घुल गई है। इसे 1-2 मिनट के लिए और पका लेते हैं, 1 मिनट के लिए और पका लिया है मैंने इसे। ये देखिए काफ़ी अच्छे से झाग आ गए हैं इसके ऊपर। अब इसमें मगज के बीज का जो पाउडर है वो डाल देंगे जो हमने पीसे थे। गैस की फ्लेम को लो कर लें और 1/4 कटोरी डालेंगे हम इसमें मिल्क पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लें। गैस की फ्लेम को लो पर ही रखें, ध्यान रहे। एक चम्मच डालेंगे इसमें देसी घी, थोड़ा सा थिक कर लेते हैं, 1-2 मिनट के लिए पका लेते हैं इसे। ये देखिए थिक हो गया है, इसे मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लिया था, ये काफी थिक हो गया है। इसे नीचे उतार लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है, प्लेट में निकालने से पहले प्लेट में मैंने घी लगा लिया था, उसके बाद मैंने इसे निकाला है। अब इसे हमें ठंडा करना है, इस तरह से मिलाते हुए मिलाते रहना है कंटिन्यू, ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। फैन के नीचे कर ले आप, जल्दी हो जाएगा 2 से 3 मिनट में। ये देखिए जैसे जैसे मिला रहे हैं, जैसे जैसे इसको हवा मिल रही है वैसे ही ये डो में बन रहा है। ये देखिए डो बनता जा रहा है इसका, ये देखिए डो बन गया है इसका। अब हम हाथ भी लगा सकते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। ठंडा होने के बाद थोड़ा घी लेंगे हाथ में और इसे मसल लेंगे इस तरह से। मैंने यहाँ मोदक का मोल्ड लिया है, थोड़ा डो लेंगे।
देखिए कितने खूबसूरत मोदक हमारे बन गए हैं। यहाँ मैंने लिए हैं पॉपी सीड्स, इसे मैंने हल्का हल्का रोस्ट कर लिया है, हल्का हल्का पॉपी सीड्स में लपेट के। ये देखिए कितने अच्छे मोदक हमारे बनकर रेडी है। इसी तरह से हम सभी मोदक को रेडी कर लेते हैं। ये देखिए हमारे रोज मोदक बनकर रेडी है। आप इसे एक हफ्ते तक खा सकते हैं, ये खराब नहीं होते हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं, काजू कतली के जैसे बने हैं। जैसे हम काजू की कतली खाते हैं वैसे ही ये मोदक बने हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।